यंग चकास टेक्नोरोज में आपका स्वागत है। ओप्पो रेनो 6 5G इन द हाउस, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको डायमंड सिटी 900 5G चिपसेट मिलती है। और ये चिपसेट कितनी खास है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग होगी और आपको क्विक रिव्यू देने वाला हूं, मतलब मैं काफी दिन से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं यहां पर शेयर करने वाला हूं। ये इंडिया में 30,000 रुपए में लॉन्च हुआ है और कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाके चेकआउट करिएगा। एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग स्मार्टफोन है फ्लैट एजेस के साथ में। काफी कम फोन ऐसे होते हैं जो इसके साथ में आता है। और उसके अलावा 65 वॉट चार्जिंग है, साथ ही साथ आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा है, बोके फ्लेयर वीडियो। बेसिकली कैमरा वही प्रीमियम है जो रेनो 6 प्रो 5G में था, वैसे ही कैमरा आपको मिलता है। OLED 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले वगैरह वगैरह। बॉक्स देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का है। और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो अंदर एक काला सा बॉक्स है छोटा सा, और इसमें आपको थैंकफुली एक बैक केस है और आपको कागजात और सिम इजेक्टर पिन। और ये भी थोड़ा फ्लैट स्टाइल वाला है क्योंकि फोन जो है वो फ्लैट एजेस के साथ में अगर मैं लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है। साथ ही साथ दोस्तों आपको टाइप सी ईयरफोन्स मिलते हैं, जी हाँ ओप्पो के फोन्स में आपको मिल जाएगा साथ में हमेशा। और आपको USB टाइप सी केबल और साथ में 65 वॉट आपको सुपर वूक चार्जर यहाँ पर मिलता है। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन की बात करें दोस्तों, पीछे आपको ग्लास बैक है, AG ग्लास है और यहाँ पर आपको रेनो ग्लो डिजाइन है। मल्टी कलर इफेक्ट होता है, अगर आप लाइट में लेके जाते हैं ऐसे देखते हैं तो अलग अलग कलर्स के आपको शेड मिलते हैं और विजुअल ग्लिटरी जैसा आपको यहाँ पर फील आएगा। तो देखने में दोस्तों ये एक्चुअली में बहुत प्रीमियम लगता है। और साथ ही साथ जो फ्रेम्स है ये भी आपको मेटल में मिलते हैं, जी हाँ इस पर आपको बहुत सारे एंटेना बैंड्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो बिल्ट है वो काफी स्टर्डी है, काफी ज्यादा मजबूत है, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। वैसे ये आपको 7.6 mm की थिकनेस पर मिलता है और साथ ही साथ आपको 182 grams का मिलता है, तो काफी लाइट वेट है और काफी स्लिम है। तो जो फॉर्म फैक्टर है वो भी इसका बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म तक यूज करने पर, हाथ में होल्ड करने पर ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कुछ पोर्ट्स की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे है, सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, आपको एक स्पीकर मिलता है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, राइट साइड में बड़ा सा पावर बटन है, हाँ ये काफी बड़ा सा है, और ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है। और कैमरे का बम्प भी अगर पीछे की तरफ देखते हैं वो इतना ज्यादा नहीं है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है तो ये भी उन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, MediaTek Dimensity 900 5G चिपसेट, ये पहला फोन है जो इस चिपसेट के साथ में आया है। बहुत सारे आपको 5G बैंड्स भी मिलते हैं जो बहुत अच्छी बात है। और ये चिपसेट बहुत ही बढ़िया है, वैसे उन्होंने मल्टीपल कूलिंग सिस्टम इसमें दिया है, वेपर चैम्बर वगैरह, लेकिन लॉन्ग टर्म तक यूज करने पर मुझे इस फोन में बिल्कुल भी ज्यादा हीट नजर नहीं आया, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि हमने इसमें बेंचमार्क किया उसमें भी जब रिजल्ट्स आया ज्यादा हीट नहीं हुआ और 4,25,000 के आसपास स्कोर आया, वेरी इंप्रेसिव। साथ ही साथ CPU थ्रॉटल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम भी डिग्रेड नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। उसी के साथ साथ हमने बैटल ग्राउंड खेला तो मैक्स HD पर सेट होता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, लेकिन उसमें भी दोस्तों लॉन्ग टर्म तक खेलने पर कोई लैग स्टटर ज्यादा दिखाई नहीं दिया और फोन ज्यादा हीट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज हमने वो यहाँ पर नोटिस किया। तो जो चिपसेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, MediaTek की चिपसेट हमें पता है कैसी होती है डायमेंसिटी वाली, तो ये भी वैसी है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है और साथ ही साथ ज्यादा हीट नहीं होता है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर इस चिपसेट में नोटिस किया। डिस्प्ले की तरफ आते हैं, 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको एक OLED डिस्प्ले मिलती है। ज्यादातर ये डिस्प्ले रेनो 6 प्रो जैसी है, वो भी प्रीमियम फोन था और ये भी वैसी है, बस यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले, उसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती थी और सिंगल पंचोले ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर। और इसमें भी 93% से ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो अगर आप एजेस देखते हैं वो बहुत ही कम है। वैसे 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस है, नॉर्मली अगर आप बाहर जाते हैं तो अप टू 800 निट्स की आपको उसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ HDR 10 प्लस वगैरह का आपको उसमें सपोर्ट मिलता है। और उसके अलावा दोस्तों एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए इसमें भी 90 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपका डिस्प्ले चलेगा। और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, तो टच रिस्पॉन्स भी आपको उसमें काफी अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम है, वैसे नॉर्मली यूज करने पर मैंने जब वीडियोस वगैरह देखा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो उस मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। बैटरी की बात करेंगे, 4300 mAh की आपको बैटरी मिलती है और साथ ही साथ 65 वॉट अडैप्टर उन्होंने बॉक्स में दिया है सुपर वूक, और ये अराउंड 30-31 मिनट्स में इसको फुल चार्ज करेगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चार्जिंग काफी फास्ट है और बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, आराम से एक दिन के ऊपर चलता है।
यहां पर तीन बड़े रीजन है, एक तो चिपसेट 6nm वाली है, दूसरी चीज ओलेड डिस्प्ले है और तीसरी चीज सॉफ्टवेयर अच्छा है कलरओएस 11.3। तो ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ मैं जोड़कर आपको बोल रहा हूं, हमने जितना भी टाइम इसको यूज किया है बैटरी अच्छी चलती है। मैंने मिक्स्ड किया, मैंने हैवी गेमिंग नहीं किया, मतलब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखा, थोड़ा सोशल मीडिया यूज किया और नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी देखा, तो हाँ वो सब जोड़ के बोल रहा हूँ तो एक दिन से ऊपर चल जाता है। तो बैटरी बैकअप इसमें बहुत अच्छा है, ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर की बात कर ही ले तो आपको बता दूं कलरओएस 11.3 है, बेसिकली ये पहले से थोड़ा और भी बेटर है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इसमें और भी ज्यादा ख्याल किया गया है और उसके अलावा बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं और काफी स्मूथ है दोस्तों एक्सपीरियंस कलरओएस में, अच्छा रहेगा आपका। और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स है लेकिन अगर आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा है। साथ ही साथ रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो इसमें LPDDR4X रैम सपोर्ट है और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट है, तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और रैम के अंदर दोस्तों आपको उन्होंने रैम एक्सपांशन टेक्नोलॉजी दिया है जो आप अप टू 5GB तक यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं, मैं वर्चुअली बात कर रहा हूँ। तो 2GB वाला भी ऑप्शन है, 3GB वाला भी है, 5GB, तो 8GB जो अगर आप 5GB ऊपर डाल देते हैं तो ये लगभग 13GB तक हो जाता है। तो ये आपके स्टोरेज का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से आपको वर्चुअल रैम यहाँ पर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मैं आपको दिखा दूं, देखेंगे टच किया अनलॉक हो गया, काफी फास्ट है, फिर से आपको दिखाता हूं, आजा टच किया अनलॉक हो गया और फेस अनलॉक भी देख लेते हैं, ये चीटिंग करता है हमेशा। ऑडियो की बात करते हैं, सिंगल स्पीकर है, फुल वॉल्यूम, ओके नाइस नाइस, नॉट बैड, क्वाइट लाउड है, एकदम भी ज्यादा नहीं लेकिन क्वाइट लाउड है और साथ में बेस अच्छा है। और हमने ये भी टेस्ट किया था उनका खुद का 3.5 नहीं टाइप सी वाला ईयरफोन, तो इसमें ऑडियो अच्छी थी, तो हाँ वहां पर एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ दोस्तों नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G तो है ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं, डुअल 4G वोल्टी, साथ ही साथ 4G प्लस भी है, तो कैरियर एग्रीगेशन आपको मिलता है जो बहुत अच्छी बात है। वाईफाई 6 है, डुअल बैंड वाईफाई 5GHz बैंड सपोर्ट होता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, उसके अलावा GPS, ग्लोनास और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, इनफैक्ट NFC भी है, हाँ वही मैं कंफर्म कर रहा था, और मतलब सब कुछ उन्होंने लेटेस्ट यहाँ पर दिया है कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं। और उसके अलावा दोस्तों वाइडबैंड L1 है, Netflix, Amazon अगर आपको HD में देखना है वो आप यहाँ पर कर सकेंगे, आपको कैमरा 2 API वगैरह और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की बात करेंगे तो कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, रेनो 6 प्रो 5G है ना उसकी तरह, ये मतलब वो प्रीमियम फोन है वैसा ये भी है, आपको 64MP क्वाड कैमरा है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS वगैरह मिलता है और बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट वीडियो जो उसमें था वो इसमें भी है, एक बहुत ही कमाल का फीचर है, DSLR लाइक आपको फ्लेयर इफेक्ट मिलता है वीडियो और फोटोस दोनों के अंदर, हाँ और ये वैसे सेल्फी में भी काम करता है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा HD फीचर है, बेसिकली 108MP के आप फोटोस ले सकते हैं, इतने ज़्यादा शार्प क्वालिटी के फोटोस होते हैं। AI हाईलाइट आपको वीडियो मिलता है जो रेनो 6 प्रो में था वो इसमें भी है, हाँ तो ये आपको दिन और रात दोनों में जो बैकग्राउंड होता है वीडियो और फोटोज के दौरान वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डायनामिक रेंज को एडजस्ट करता है, वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, अल्ट्रा नाइट वीडियो भी आपको मिल जाता है और जितने भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है बेसिकली ज्यादातर सब प्रीमियम फीचर्स है वो आपको उसके कैमरे में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ 8MP अल्ट्रा वाइड है, काफी ज्यादा एरिया कवर करता है और साथ में आपको 2MP का मैक्रो मिलता है। सामने की तरफ 32MP सेल्फी है, यहाँ पर भी कोई कंजूसी नहीं है और इसमें भी दोस्तों मेजर फीचर्स जो रियर कैमरे में वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, फुल HD वीडियो मैक्स शूट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर EIS वगैरह भी देखने को मिलता है। फोटोज की बात कर ले कुछ दिन की तो यस अच्छे फोटोज आते हैं, अब ओप्पो का फोन है तो ऑप्टिमाइजेशन उनकी थोड़ी अच्छी होती है तो यहाँ पर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, डायनामिक रेंज, कलर्स और बुके वगैरह सब कुछ अच्छा निकल कर आया। और अगर सेल्फी देखते हैं तो 32MP है, शार्पनेस अच्छी है, बुके शॉट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। और नाइट की बात करें तो नाइट में भी दोस्तों अच्छे फोटोज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो हाँ इसमें भी आपको वैसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेल्फी में भी आपको नाइट मोड है तो यहाँ पर भी आप अच्छे खासे फोटोस नाइट में निकाल सकेंगे। वीडियो देखते हैं, रियर वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस आप निकाल सकते हैं, हालांकि वेदर थोड़ा भी ये रेनी है तो डायनामिक रेंज में आपको थोड़ा यहाँ वहाँ दिखाई देगा लेकिन अगर आप सनलाइट में शूट करते तो और भी बढ़िया आपको डायनामिक रेंज मिलेगा और सेल्फी भी देखेंगे तो आपको अच्छी मिल जाती है, शार्प है और स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। तो जाते जाते दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है और हमने जितने दिन इसको यूज किया जैसे कि क्विक रिव्यू अगर मैं बोलूं तो ये फोन ओवरऑल बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है, आपको डिजाइन बढ़िया मिलती है, जो फ्लैट एजेस है
बहुत कम फोन्स होते हैं ऐसे और ये उनमें से एक है। तो ये जो फॉर्म फैक्टर है, जो ग्रिप है इसका, वो बहुत अच्छा है और बिल्ड काफ़ी प्रीमियम है। डिस्प्ले बहुत अच्छा है 90 हर्ट्ज से, और साथ ही साथ आपको 65 वॉट चार्जिंग वगैरह है। उसके अलावा आपको बैटरी बहुत अच्छी चलती है, सॉफ्टवेयर अच्छा है और डायमेंडसिटी 900 ये चिपसेट बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रेसिव है, ज़्यादा हीट नहीं होता है। और कैमरा ऑब्वियसली बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। 30,000 रुपये का है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, और ओप्पो के फ़ोन से दोस्तों प्राइस वैसी होती है, प्रीमियम प्राइस टैग होती है। तो जितना भी हमने यूज़ किया उतना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ डिटेल रिव्यू वगैरह लॉन्ग टर्म आफ्टर 15 डेज 30 डेज तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, वो सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।